मैं चंदा चंदा फूड रेसिपी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज न्यू ईयर है तो पहले सबको दिल से हैप्पी न्यू ईयर्स। और मीठे में बनाऊंगी आज मैं चावल की खीर। तो चावल की खीर के लिए 1 लीटर मैंने दूध लिया है और 1 लीटर दूध में लगेगा 100 ग्राम चावल। यह मैंने बासमती का टुकड़ा चावल लिया है, इसका खीर मुझे बहुत पसंद होता है। आप चाहे तो इस तरह का चावल भी ले सकते हैं, छोटा दाना वाला चावल ही खीर अच्छा लगता है, ऐसी चावल ले सकते हैं। ये मैंने बासमती का टुकड़ा लिया, इसका मैं खीर बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले दूध गरम कर लेते हैं। देखिए दूध हमारा गरम हो गया है तो हम इसमें चावल धो के डाल देंगे। चावल को हमने अच्छी तरह से धो लिया है, इसको दूध में डाल देंगे। ऐसे चावल को हिला देंगे नहीं तो नीचे बैठ जाएगा। और गैस कम कर देंगे, गैस कम कर दिया हमने और थोड़ा देर तक इसको चलाते रहेंगे। इस तरह से 20 मिनट के बाद हमारा चावल का खीर बन जाएगा। बीच बीच में इसको इस तरह से चलाते रहना है, टाइम लगता है थोड़ा बनने में चावल का खीर। देखिए चावल हमारा चावल का खीर घट्ट हो गया है, अब गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करके ही चीनी डालते हैं हम, नहीं तो दूध क्या होता है फट जाता है गर्म में डालते हैं। इधर हम 1 चम्मच घी में काजू बादाम किशमिश इसको फ्राई कर लेंगे खीर बनने के लिए। देखिए चावल का खीर हमारा कितना अच्छा से पक गया है, देखिए एकदम से अच्छे से पक गया है। इसमें काजू बादाम भून के डाल देते हैं। घी हमारा गर्म हो गया है, इसमें डाल देते हैं काजू बादाम किशमिश। आपको जो पसंद हो आप वो बिल्कुल डालें। मिक्स कर लेंगे हम। 2 इलायची कूट करके डालेंगे, आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, इसको मैं कूट के डालती हूँ। इलायची हमने कूट के डाल दी, इसको मिक्स कर देंगे। जितना हमने चावल डाला था उतना ही मैं चीनी डाल रही हूँ इसमें। आप अपने स्वाद अनुसार डालें, आपको जैसा मीठा खाना पसंद हो। चीनी डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। देखिए कितना अच्छा सा हमारा खीर बन के तैयार है। 2 मिनट में ये चीनी मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद खा सकते हैं सब। देखिए हमारा चीनी मेल्ट हो गया, अब अलग बर्तन में दिखा के आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए हमारा चावल का खीर तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।